मेरठ हाईवे पर लूट की अजीबोगरीब वारदात। गुरुवार देर शाम को मेरठ हाईवे पर लूट की एक अजीबोगरीब वारदात हुई। दो अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार की देर शाम मेरठ हाईवे पर शोएब अहमद नामक व्यक्ति की कार को लूट लिया। शोएब अपनी मारुति को कार के साथ परिवार समेत नैनीताल जा रहे थे। बदमाशों ने उनकी कार, रुपये पैसे तो लूटे ही। एक लुटेरे ने इस दौरान कार में बच्चे के लिए रखा पौष्टिक आहार सेरेलेक ही खा लिया। अरे भूख लगी थी, के करता पता ही शर्म नहीं आई ना। शोएब जी ने जब उनको ऐसा करने से रोका तो दूसरे लुटेरे ने उनके सर पे बोतल फोड़ दी। पुलिस अब इसी सुराग के आधार पर लुटेरों की खोज में जुट गई है। पुलिस पता लगा रही है कि इस क्षेत्र में ऐसी वारदात करने वाला अपराधी कौन है। इस वाक्य से सारा इलाका सख्ते में है और पुलिस चकित। गाड़ी कहाँ है? अरे गगन, गाड़ी का क्या बना? करीम भाई से बात हुई है, 50,000 में। 50,000? जय यार, हर बार 50,000 हो जाए उसका। स्कूटी थोड़ी बेच रहे भाई, गाड़ी है। तो भाई चोरी की है ना, सेकेंड हैंड थोड़ा ना, जो 2.5 लाख मिल जाएगा। अगले हफ्ते डिलीवरी देके पेमेंट उठानी है। हाँ तो अगर डिलीवरी अगले हफ्ते है तो गाड़ी में चलते हैं ना यमुनानगर प्रेजेंटेशन देने। चल पड़ते हैं, बस नंबर प्लेट बदल देंगे। सही है। तो प्रेजेंटेशन कौन बनाएगा? क्या है ना अपना जीता जो बनाओगा यो बनाएगा ना। बिना बर्थडे के ना बनती कुंडली, मालूम कुछ ना कंपनी के बारे में, कहाँ थे बना दूं प्रेजेंटेशन। अरे मुन्ना बताना के है, है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है रिटेल में, स्विजमार्ट करके, उसकी वो करनी है मार्केटिंग। मेरी एक फ्रेंड है पूजा, उसने सारी सेटिंग कर रखी है और आगे भी कर देगी। उसका जो कॉन्टैक्ट है ना डायरेक्ट है उस पर, जोनल हेड का, तो ले दे के जो है अपनी जॉब पक्की है भाई। ये ले दे के भाई, ये देखने में कैसे चाहिए भाई? देखने दे, क्या मतलब तेरा? यार वो छोड़ यार, वो पैसा कितना लेगी? अबे अबे नौकरी के लिए पैसा कितना लगेगा वो ना पता मुझे। ठीक है भाई। यार मैं इधर आया मानसी के फोन का बिल करके। क्या हुआ भाई? दीदी थोड़ा आगे। मैं क्या कह रहा था जी कि वहां उस टेबल पे चल के बैठे नहीं फोन है? अरे वहां चल के नहीं भाई, वहीं जाके बैठे नहीं हल्का। अब चल भी लो। मेरी रस मलाई के क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों दिख रही है? जान दे दूं मैं? कैसी बातें कर रही है? पापा जी मेरा रिश्ता लगाने लग रहे। अगर मेरी शादी तुझसे ना हुई ना, किसी कॉलेज की बिल्डिंग से जो धक्का दे दूंगी। कमाल करती है, पहले कह रही है खुद की जान ले लूंगी, फिर कह रही है मेरी जान ले लेगी। ये हलवा है क्या? जहाँ से रिश्ता आया है ना, 60 ट्रैक्टर चलते हैं उनके, 3 गाड़ियां भी हैं। अब तू ऐसी बातें करेगी? मैं ना कर रही, मेरे पापा जी कहने लग रहे थे। तेरे बाप के तो पिछवाड़े में। झाड़ू देखे ना, मोहर बना दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तेरे यहां से तो कोई रिश्ता भी लेने नहीं आ सकता। एक मामा है वो नोएडा जाके बस रखा है। अब आधे टाइम उसकी तबीयत खराब रहती है तो मैं क्या करूं? इसी को पापा ही बना के लिया। ये आपकी फ्रेंड मेरे बारे में कुछ कह रही है जी? सो नहीं, सो नहीं, वो क्या है कि वो संजय फाउंडर है ना जी, वो भाई है मेरा। मेरी भी हम 6 साल के थे जब से, मतलब भाई है। आपने
मतलब इसने बताया तो होगा ना मेरे बारे में कभी आपको? एक्टिंग करता हूँ जी मैं, आप किसी की भी आवाज बोल दो, मैं मिनटों में यूं कॉपी करके दिखा दूंगा आपको। कुत्ते की आवाज निकाल सकता है? प्लीज मान जाए। अच्छा तो देखता रहता है। एक हफ्ते में भगा ले मुझे, और सुन शाम को थिएटर पे मिलियो कल। अबे ओ, यो किसकी आवाज निकाल रहा था तू? तो पहले नूम बता, वो लोंडिया रहे कहाँ है? मेरे को कह रही कुत्ते की आवाज निकाल दो, मैंने निकाल दी। वो सब छोड़े यार, बसड़ हो गई है, कह रही है कि एक हफ्ते में भगा लो। इसे लेके मामा के घर भाग जाऊं? क्या मामा को छोड़, सिनेमा की कह रही थी ना? हाँ, सिनेमा ले जा और लेफ्ट साइड में बिठा लियो। क्यों? रे तू इधर बैठ, तू इधर बैठ ना। क्या हुआ? अरे बैठ तो सही। भाई रिप्रेजेंटेशन में करना क्या पड़ता है? खास नहीं है, उस स्टेज पर चढ़ के जो कुछ ये चैलेंजर देगा ना, लोगों को दिखा देंगे बस। और स्टेज पर चढ़ते ही तो मेरे पाँव कांपने लगते हैं। साला स्टेज पर चढ़ते पैर कांपते तेरे, पुलिस वाला दिख जाए तो पैर कांपते तेरे, हैं कोई ऊंचा बोल दे तो पैर कांपते तेरे, और लोंडिया के बाप के सामने तो पूरा ही कांपता रहता है, और लोंडिया आते जाते चांटे मारती रहती तेरे को, तू है क्यों भाई? फैक्ट तो यह है कि लगी पड़ी है, लोंडिया पीछे पड़ी है, शादी कर शादी कर, और यहाँ काम धंधे का पता नहीं है। रोद्र मामा, अब मामा की तो टकसाल चल रही है ना। अरे काम धंधे में कभी पैसा होता है कभी नहीं होता है, और वैसे भी रियल इस्टेट के धंधे में ना बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। क्या भाई? देख जोनल लेटर यो, सारी सेटिंग इसी ने करवाई है। इंटरव्यू यही लेगा? यो भी लेगा, रिश्ते ऊपर एक और है कंट्री एक्ट, वो भी लेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कह रहा हूं मैं आपसे कि हमारी कंपनी स्विस मार्ट वर्ल्ड ओवर जानी जाती है। संजय बोलना, पूजा कंज्यूमर्स में नंबर 1 है, और अब हम आफ्टर यूरोप स्विट्जरलैंड जर्मनी और ना जाने कितनी कंट्रीज के होने के बाद। हेलो सर। हाय कम। सर बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है इन लोगों। अच्छा गुड, वेरी गुड भाई। जब जोनल हेड कह रहे हैं तब तो दी होगी। आप लोग अपने एमबीए के सर्टिफिकेट्स सबमिट करवा दो यहाँ, वी विल गेट बैक टू यू। पर एमबीए का सर्टिफिकेट तो ना है हमारे पास सर। व्हाट? हमें एमबीए होल्डर्स ही चाहिए सर। इन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं और सर्टिफिकेट आते ही जमा कर देंगे। ठीक है, इस मैटर को तुम देखो, मेरा स्विट्जरलैंड से फोन आ रहा है। हाय रॉबर्ट, हाउ आर यू डियर? सर जी एमबीए तो किया ही ना हमने, सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, दिखाओ है इसको मैं देख लूंगा, तुम बस 75,000 रुपए का इंतजाम करो। उससे क्यों नहीं निकालता पैसे भाई साहब? एकदम कट्टो माल घुमा रहा आजकल, नैन्सी नाम की दिल्ली की, एकदम मतलब पर भाई उस तरह पहले पैसे ले रखे उधार,
इवना देने का वो दियो अपना तेरा बाप बोल रहा हूँ जगदीश त्यागी मेरठ कॉलेज से जी भाई जी भाई 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 कैसे भाई अरे जी जी नहीं जीजा नैन्सी को घुमा रहा ना आजकल मेरे मोहल्ले की है वो भाई वो मेरी तो खाली दोस्त है भाई खाली फ्रेंड है अपनी अबे बात मेरी सुन तू कल से ना कॉलेज ना दिख जियो नहीं तो तेरे हमें तो हमें दोस्त बना रखे तूने बाप उन्हें भी धर लूंगा मैं चल तेरे फोन भाई जी भाई भाई अभी जीते अमित भाई अरे काम मोज ले रहा है भाई किसी त्यागी का फोन आया था मेरठ कॉलेज से कौन त्यागी भाई कोई त्यागी कह रहे तेरे को कूट देंगे अगर कॉलेज आया तो ए, जगदीश त्यागी तो ना है जी हाँ हाँ भाई वही 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 जगदीश त्यागी मेरठ टॉयलेट नहीं मेरठ कॉलेज से भाई भाई हम ना जानते तने भाई बचा लो भाई मैंने कुछ किया नहीं मेरे पे विश्वास करो भाई तने जगदीश त्यागी से बसड़ ले ली भाई बहुत डेंजर आदमी है वो सीधा गोली चलाता है मर्डर के चार्ज हैं मर्डर के भी चार्ज हैं भाई बट मैंने कुछ करा नहीं आ भाई मेरे को बहुत टाइम से जानता मैं ऐसा लौटा ही नहीं हूँ भाई अच्छा चल तू चिंता मत कर तू घर जा मैं बात करता हूँ जगदीश त्यागी से भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके फोन का प्लीज कॉल करो जल्दी भाई अरे कह दी ना मैं बात करता हूँ जगदीश त्यागी से ठीक है भाई हाँ फोन दर त्यागी ने बेरा पाट गया फिर जानकारी अपनी राज भाई ना है उन्हें मिलवा था वैसे भी कुछ ना कर रहा आजकल मैंने तो सुना लॉ कर रहा हूँ तभी तो कह रहा हूँ कुछ ना कर रहा हम तो अंदर ऑफिस में बंद हो और वॉचमैन चला जाए शर्मा जी ये जो शोपीस रखा हुआ ना बाहर मैं मानसी की बात कर रहा हूँ अरे सर जब देखो तब ये फोन पे लगी रहती है मोबाइल में बातें करती रहती है कोई बात नहीं दो मिनट का ब्रेक ले लिया होगा दो मिनट का ब्रेक पता नहीं साले कितने लौंडे बता रखे हैं कि कितना लंबा ब्रेक हो जाता है इसका भाई गॉड यार लेकिन एक चीज बताया आपको पीस बड़ा नमकीन है क्या जयंती राज जी दोनों भाभी आपको शिलाजीत के पराठे खिला के भेजती है क्या इस उम्र में शिलाजीत के पराठे खाने चाहिए मैं पक्का बता रहा हूँ आपको नहीं तो बुढ़ापे में साली दारू भी ना संधि सुधा मिला के पीनी पड़ेगी त्यागी भाई क्या हाल है राम राम भाई थैंक यू राम राम क्या हाल है ठीक हो आ जाओ चाय लेके आया त्यागी भाई के लिए क्या हाल है भाई कैसे हो क्या हाल है बढ़िया भाई बैठो भाई बस भगवान की कृपा बता भाई छोटा सा काम था बोल एक दोस्त था उसकी एक सेटिंग है नैन्सी इसकी है असल में एक लौंडा सुमित फोन कर करके भाई परेशान कर रखा नाक में दम कर दिया जब हमारे पड़ोस का लौंडा है हम पे लेंगे तो घर पहुंच जाएगा तो आप थोड़ी सी मदद कर देते बात में सेटिंग तो दारी सदी की हो रखी मैं फोन तो थप्पड़ खा रहा था जी मैं कैंटीन में ना ना मैं तो नहीं था जी चल झूठा साला रैपिड मार दू ना भाई मर जाएगा हड़काना बस हाँ हड़का लो हाँ तू भाई अपना भाई कहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ बाहर चल चल मैं आ रहा हूँ बाहर ही आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ अच्छा भाई मैं चलूँगा मैं जा रहा हूँ नोएडा मामा के घर मामा हाँ मामा सेटिंग अरे मामा मामा अच्छा चलता ममता है क्यों क्या बात है अरे बुलाओ ना उसने ममता ये हो गया अलका कहाँ है अरे कहाँ अलका अरे साहब इसने पता होगा मेरी बेटी कहाँ है सर वो तो संजय फॉर्नर के साथ चली गई कहाँ गई बोलो कहाँ गए होंगे कुछ पता है पापा अलका बता रही थी कि वो संजीव फॉर्नर के मामा के घर जाएंगे नोएडा में कुछ 52 सेक्टर था नोएडा चलेगी भाई मुकदमा तो दर्ज हो गया है मैं नोएडा पुलिस को सूचना भिजवा देता हूँ
राणा कहाँ भाग रही हो? जी आप यहाँ एमबीए की तैयारी कर रहे हो, गुंडे जो हैं नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, अरेस्ट हिम, वी आर पेइंग इनकम टैक्स। साहब। साहब क्यों, इनको क्यों सलूट कर रहा तू? साहब है मारे। ये साहब है तेरे? तलाशी ले साले की। क्यों 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 क्यों, काहे काहे का, किस बात की तलाशी सर जी, किस बात की? हम लोग अच्छे लोग हैं, आप देखो जी। साहब गांजा है। साढ़े स्मगलिंग करता? ना 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 ना, स्मगलिंग वसूलिंग ना सर जी, कार ड्राइव करते हुए पीता हूँ मैं बस, लिटिल लिटिल सर जी। कहाँ क्या कर रहा है? अरे अंदर कर, इसने क्या कुछ नहीं करा जा रहा है, अंदर कर साढ़े। साहब जी ये गलत बात है साहब जी। चल चल चल, क्या कर रहा है भाई? इज्जत से जा रहे हैं तो जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे बंद कर रहा हूँ, किस दौरान करके आया हूँ भाई? किस किस में हेलमेट चुराने? हेलमेट चुराने जी, मेरठ से आया जी, हमारी लड़की को एक लड़का घर से भगा के ले गया जी। तो भाई साहब तो फिर मेरठ का हो ना? ना जी, खबर मिली है वो लड़का अपने मामा के यहाँ ठहरा हुआ है, यही नोएडा में। संजय फॉरनर है जी उसका नाम। क्या 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 भाई साहब? ओ भाई साहब टकले वाले, क्या नाम बताया आपने? संजय फॉरनर, सेक्टर 52। हाँ, जवाहर स्कूल के बगल में। हाँ यही बताया। भांजा है मेरा, भांजा है जी कसम से। अरे बाहर निकाल साड़े को, भांजा है जी मेरा, बड़े अलग से बाल रखे हो। क्या पता बेहतर है जी? जवाहर स्कूल के बगल में सेक्टर 52 नवेडा। मेज करता है जो? बिल्कुल यही एड्रेस पता लगा जी। ओ तो आपकी पीस है, अरे मतलब आपकी बेटी है वो? चल साढ़े पर तेरे घर चलते हैं, आ जा। मेरे घर चलोगे? चलो चाय पिलाता हूँ आपको। साढ़े मन ने देख के भगया क्यों था? अरे गीजर ऑन था ना सर जी, इसलिए मैं। आ जा। पहचान का है, सब ठीक हो जाएगा। घर में ब्लू पर्दे लगेंगे जिसमें फ्लावर होंगे। लगेंगे लगेंगे भाई लगेंगे। और डबल बेड लेंगे जिसमें पिंक चादर चढ़ाएंगे। वो तो सबसे जरूरी चीज होगी। अच्छा जी, और क्या, पति पत्नी के प्यार का सबूत ही डबल बेड है, गुलाबी चादर है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी की कीमत क्या साहब? यही छोरा हमारी छोरी को जबरदस्ती भगा के लाया। ये मुझे लेके नहीं भागा, मैं अपनी खुद की मर्जी से आई थी। बताओ, मर्जी से आई थी? पूरे गांव में हमारी बदनामी करवा दी तूने। आपकी बदनामी के चक्कर में मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं? बहुत जबान चल रही है लल्ली तेरी, घर चल, तेरे पैर कटेंगे। क्यों रे साले, पैर किसके काटेगा? हमारे सामने बदमाशी दिखा रहा है? अरे बंद कर इसको, आम से आकर साले जरा। अच्छा कोई बात ना, चल रहने दे रहने दे। देखो अंकल जी ऐसा है, औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया करते, समझ गए ना? आपको तो अक्कल होनी चाहिए, बैठ जाओ। जोर आजमाना तो हम है आपके सामने। हाँ बोल बेटिया, क्या बोल रही थी? चल साहब जी, गाँव के माल तो आप जाने हैं। अरे इस लड़की ने हमारी पगड़ी उछलवा दी। अरे घर की बहू बेटी एक बार भाग जावे चौधरियों की इज्जत नहीं रहती। अरे ब्याह तो इस लौंडे के साथ भी करते हैं हम, पर ये तो काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। नहीं जी, मैं जी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ जी, मेरे 2 महीने में नौकरी लग जाएगी फूड कॉर्पोरेशन में। देखो चौधरी साहब ऐसा है, नौकरी आज नहीं तो कल लगी जाएगी, पर इस चक्कर में लौंडे की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आप भी अकलमंद है, आपको पता होना चाहिए। क्यों ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझो। हाँ अब बेटी घर पे जाएगी तभी तो शादी ब्याह की तैयारी करेंगे। चलो बस ठीक है, काम हो गया तो नुकर लौंडा लौंडिया के नाम रख ले, नाम और पता लिख ले रिपोर्ट में, ठीक है ना? ठीक। अब बेटिया सुन, तेरे पापा राजी हो गए हैं, तू घर जाके अपनी शादी की तैयारी कर, हम भी आएंगे तेरे मैरिज पे, ठीक है ना? चलो भाई। सर जी एक बात मेरी सुनते जाओ, आपका इंसाफ ना
सेंचा कहीं का वो माँ कसम 150 रुपए निकाल मिठाई मंगवाना है। आप किसकी तरफ से आ रहे हो लेडीज चाहे? नैन्सी को तू ही छेड़ रहा क्या? साले मार मार के तेरा भूत सवरा दूंगा, समझ गया? अरे चाय ले जाओ, निकाल निकाल जल्दी। तेरे बात करने की तमीज ना है भाई? मैंने तो बात ही नहीं करी भी। तेरे को खड़े रहने की तमीज ना है? हैं? कैसे खड़ा है? उरे भाई मैं सच बोल लिया हूँ, मैंने देखा हो समित को, उनने डीजे से 30-40 हजार रुपए लिए हैं। तो कंपनशीट में 1 लाख देगा फिर? और जो ना दिया तो? तो भाई जूत बजेंगे, लड़ाई होगी। लड़ाई बराबरी की हुई तो कुछ नहीं, पर हार गया तो 1.5 लाख रुपए कटवा लेंगे। अब तक मेरे 75 गन, तेरे 75 और गाड़ी बेच के 50 और उसमें डीजे के 30 हो गए पूरे 2,30,000। बाकी 2,20। हाँ 2,20 कहाँ है? यार तू दोस्त है कि एजेंट है? भाई करना कुछ जुगाड़। करता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ, दोनों नेट से बात करूँगा, पर तब तक ना तुम भाई और पैसे जुगाड़ लो। मैं मानसी से पूछ के देखता हूँ। हाँ यार पूछ ले भाई। मानसी के पास इतने पैसे आओ कहाँ से? तो कुछ तो रखे होंगे। हाँ मानसी सुन यार, वो कुछ पैसे और चाहिए। इतने पैसे चाहिए? देख ले जितना जुगाड़ हो सकता। ठीक है, आज शाम को बोनस मिल रहा है उसमें से दे दूंगी। अच्छा अच्छा सुन, तो काम खत्म करके ग्रेटर नोएडा आ जाना, आज रात घर पर ही रुक जा। अच्छा चल मैं बाय। मेरी जान कहना मानो, दुश्मन है कहाँ रुत पहचानो, कटेगी न ये डगर बिना कोई हम सफर, फिर क्यों न बंदे को अपना ही जानो। मेरी जान ये क्या है? बोनस सर, इससे ज्यादा बोनस तो जूनियर्स को मिलता है, आप चिल्लर दे रहे हो मुझे। मोटा बोनस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, परफॉर्मेंस। तुम्हारा ऐसे कोई लेना देना ही नहीं, तुम सारा सारा वक्त फोन पे लगी रहती हो। हाँ हमारा नंबर भी है तुम्हारे पास, पर तुमने कभी कॉल नहीं किया। मैंने तुम्हें मैसेज किया, हाय, तुमने कर दिया बाय। कौन सी मदद की बात हो रही है ना, समझ में आ रहा है मुझे। हाँ ऋचा को तो प्रमोशन दिया ही होगा आपने, तो बड़ी मेहनत करती है आपके लिए। अरे हाय ततैया। योर ऑब्जर्वेशन क्वाइट गुड, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा मोटा बोनस पाएगा। हार्ड वर्क इज द की, हार्ड वर्क। अमित क्या हाल है भाई? अभी कुछ बड़ा पैसों का? अरे ना यार, पैसे का जुगाड़ ना हुआ। क्यों क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई यार, वो मानसी को बोनस मिलना था वो ना मिल रहा, तो कह रही थी कि अगले महीने हो जाएगा तो चलेगा। वही ऐसा है, एक आध दिन में पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ा होगा। हाँ तो जानू स्वीटूस होगी के कुछ थोड़ा बहुत कर ले। वो कंट्री एड है ना, वो आने लग रहा है यहाँ मेरठ में अगले हफ्ते, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे यहीं से, तो भाई उससे पहले जो है ना पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उस दिन है उसका बर्थडे, तो वो अपना के है वो जोनल हेड, वो नू कह रहा था कि अगर उसके लिए छोटी मोटी पार्टी अरेंज कर दें ताकि अपनी सबकी नौकरी जो है वो यहीं लग जाए मेरठ में।
कैसी सी बात कर रहा है यार तू? या नौकरी के पैसों का जुगाड़ ना हो उसको कैसे दे देंगे पार्टी उसको हम? योग कंट्री हेड को खुश कर दिया ना, तो हो सका है कि हमें थोड़ा टाइम दे दे वो अरेंजमेंट करने का पैसे का। क्या वाह, बात तो ठीक है, धन माल कहाँ से आओगा? बैंक लूट लेते। जी हाँ, घंटा बाबा जी का। मैं जाऊँ घर, पूजा ठप से जो है फोन पे सेटिंग करूंगा। सुन सुन, मुझे अलका के घर के नीचे उतार दिए। चल भैया, राम राम। अरे अमित, ये भाई पूजा ने राम राम बोल दियो यार। भाई तेरे हिसाब से कब तक बैठ के पियेंगे? यार मेरे हिसाब से तो मरते दम तक। चौधरी ना है अपने गांव वाला, शादी हुई थी पिछले साल उसकी, तो सफरे के बाद तीन फिरते हैं। BMW खरीदी साले ने। BMW? हाँ सही है यार, होंगे एक चक्कर गाड़ी मिल गया है। ऑटोमेटिक तो कर, बात तो सही कह रहा है यार। पैसे जाके जोनल हेड को दे दियो भाई, सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अरे इतने पैसे कहाँ से आए? ठीक है, शादी हो रही है, अरे तू रख और निकल। और वो कंट्री हेड के बर्थडे के लिए पैसे? अरे पार्टी फिक्स करनी है। अरे भाड़ में गई पार्टी वार्टी। ओ भाई भाई दे दे दे, जा। जो उसको खुश कर दिया ना तो सबकी नौकरी अगर मेरे में रखवा देगा। अरे बंदूक कहाँ से मार ली? बैंक लूट लिया गए। संभाल के बे, मेहनत का पैसा है। जी हाँ भाई साहब, 1,12,000 हैं। के करना इन पैसों का? चौथा निखिल, एक काम कर, आपने इन सब लोंडो के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। कहाँ फंसा रहे भाई साहब? सोच लिए, अठेके वालों की चिंता मत करिए, सब संभाल लूंगा मैं। ठीक है भाई। नहीं यार, आ गया, आ गया पार्टी। आ गया, आ गया। मुझे पता तो क्या देख रहा है, 36 फीट अच्छी है ना? एक काम करेगा, नेल पॉलिश लगा दो ना। मैंने तेरे लिए अंग्रेजी सीखी, क्या कह रही है? मैंने तेरे को खुश करने के लिए क्या किया? पार्टी वाड़ी तो हो गई, गिटार बजाना सीखा। अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रही है? करता हूँ बात जो मैं।
दारू खत्म हो गई है, सर ने और मंगाई है। वो लड़की कहाँ है? नहीं, ना लड़की है ना शराब है, क्या अकेला सोऊंगा क्या मैं? नहीं सर, मैं हूं ना सर। तुम मेरे साथ सोओगे? नहीं सर, मैं लड़की लेके आता हूँ ना अभी। है? लड़की ले आओ। ला रहा हूँ सर। 18 लाख का पैकेज लूंगा। और मार्केटिंग हेड। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बस मैं गया, लड़की लाया, बस गया सर। जल्दी जल्दी लाओ। लड़की किसने बुक की थी? मैंने की थी। भाग गई वो? दिए तो थे उसने एडवांस। ना 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 भाई, लड़की जुगाड़ो, 18 लाख का पैकेज लगा मेरा, मार्केटिंग हेड की पोजीशन है। मार्केटिंग हेड की पोजीशन तो मुझे मिली है भाई, 20 लाख का पैकेज है। यहाँ बैठा तो पहले नहीं बता सकता था? एक मिनट भाई, लेना आसान है। 21 लाख रुपए तो मेरे को देने को बोला ये मार्केटिंग हेड जॉब के लिए। रुको रुको, एक सेकंड, देख सकते तुझे भी मार्केटिंग हेड, तुझे भी मार्केटिंग हेड। हाँ। तुझे 18 का, तुझे 20, तुझे 21 लाख, तुझे 21 लाख का तो दो भाई। तुमने कहा ना तो दाल में कुछ काला है, साल ही पूरी दाल ही काली है, बता रहा हूँ। खड़ा हो। हाँ, कंट्री हेड के पास जाएंगे, बात करते हैं उससे। भाई कंट्री हेड बड़ा आदमी है, उसके पास नहीं आते, पहले जोनल के पास चलते हैं, उससे बात हो जाएगी। नीचे का आदमी रुक। अरे कोई गड़बड़ है ही नहीं वहां, मैं काम करती हूं। लेकिन मैं चुप। नेल पॉलिश लगा दो। कैसे से बात कर रहा है? तेरे सर में भी तो तेल लगा देता हूं। कोई ना, जल रहा है वो। यस, कम इन। हेलो मैडम। हेलो सर। अरे राहुल, अरे तुम सभी आ गए? तो बोल ना। तुम भाई? तुम भाई? अरे क्या बात हुई, बोलो। वो सर, वो हम आपके लिए शराब लाए थे, अच्छी वाली एकदम इम्पोर्टेड, तो अपने हाथों से देना चाहते थे हमें। इसकी क्या जरूरत थी यार, चलो अब ले ही आए हो तो दे दो। सर वो अपने कंपनी हेड है ना, उन्होंने हम सबको मार्केटिंग हेड की पोजीशन दी थी, पैकेज भी कुछ बराबर ही दिया था सबको, तो मैं पूछ रहा था कि एक कंपनी में कितने मार्केटिंग हेड हो जाते होंगे। उनकी बहुत सी कंपनीज हैं, और बहुत सी कंपनीज होने की वजह से सबको दे दिया होगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सबको 18 लाख का पैकेज मिला ना। सर इसको 21 का। सर 20 का मिला। तो अच्छी बात है, मेरठ जैसे शहर में किसी को 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, कोई ना कोई तो इसमें स्पेशल क्वालिटी होगी। क्या कर दिया यार, रे इसके हाथ पर बांध के रखा करो यार, इसको सर फट गया उसका, मर जाएगा ये। रवि रुमाल लगा इसके सर पे। मैं रखूंगा भी रुमाल। ले तो लग गई नौकरी, अब कर लो नौकरी। तेरा ना हो सकता कुछ। अरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, सारा फ्रॉड तो कंट्री हेड का भाई, मैं तो 20,000 का मुलाजिम हूँ, मुझे जाने दो। क्या क्या बोल रहा, फ्रॉड है तू? फ्रॉड करेगा साले, तू हमारे से बड़े वाला है कि? खड़ा खड़ा, फोन करके नीचे बुला कंट्री हेड को। हेलो सर, लड़कों ने रशियन सैलेड मंगाया सर। सर सर इधर सर, लड़कियां यहां अंदर हैं। कहां हैं? अरे अरे क्या कर रहा है, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, निकल निकल, चल गाड़ी चला, गाड़ी चला, चल मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, ये गाने के जा रहे हो, ले ले मेरे क्षेत्र, छोड़ दो मेरे क्षेत्र। भूत
रेसी को यही मार देना चाहिए, फिर किसी गरीब का कितना नहीं कटेगा ये। तो मार के हमने क्या मिलेगा घंटा, इस तरह सारे पैसे निकलवाओ अपने। सही भाई, आपके पैसे मैं दूंगा। दे, इसके बाप के पास बतेरा पैसा है, फोन दिखाओ। अभी लगाता हूँ इसके बाप को फोन। हेलो। अरे मैं ना करता। सुन, तेरा छोरा हमारे कब्जे में। इतने बेवकूफ बना हमको, 10 लाख रुपये लेके आ जा, गोली मार देंगे इसको। अरे उसके चक्कर में तो सब जमीन जायदाद सब हम बेच चुके हुए हैं, हमारे पास तो फिलहाल जो है 5 लाख रुपया है। हैं? हाँ तो 5 लाख ही दे दे। ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो। ये तो अकाउंट नंबर मांग रहा। हाँ तो मेरा ले लो। हाँ तो दे दे। हेलो अंकल, आप टेंशन मत लो, मेरा अकाउंट नंबर ले लो। हाँ, नेम पूजा तलवार, अकाउंट नंबर 100-9818-24478। हाँ, और ब्रांच दिल्ली। अच्छा अंकल, अगर प्रॉब्लम हुए ना तो मेरा पैन कार्ड भी ले लो। हाँ, ALP। अरे लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है बेटा। हमारे चक्कर में जो है छुट्टी लिया आज, उसका बदला लेगा कल जयंती लाल मुझसे। आजकल हद कर दी उसने, इसे देखता है ना मुझे मन करता है ना उसमें आग लगा दूँ सर में। आज ही मानूंगा सर, टेंशन ना ले। ये पूजा कौन है? पूजा कौन है? नियमित की दोस्त है, ठप पे। निखिल के साथ क्या करिए बेड पे? निखिल तो कुर्सी पे बैठा। आप देखते हैं, चाहिए निखिल नहीं, एक काम था नोएडा में। और क्या काम? अरे तेरी भाभी के कंपनी के एक सीए जयंती लाल करके हीरो बन रहा, साले की हीरो पंथी निकालनी है। चाय। मैं ना मॉर्निंग में ब्रश किए बिना मुंह में कुछ नहीं मिलती। माया मित्र, ओए अमित, एक देखे कैसी रेल सी बनाऊंगा इसकी। अरे त्यागी भाई साहब, क्या हाल है? एक बार राम राम। क्या बात होगी साले, बेवकूफ मान रहा है, है? बेवकूफ समझ रहा है मैं। क्या भाई साहब, पहले की बजा रहे हो? तू बता। और नैन्सी के क्या हाल है? ओ हीरो, मुंह क्यों छुपा रहा? अबे तेरे से बोल रहा हूं मैं। नहीं जी, हाथ मोला ले रहा था जी। हाँ खाले खाले। शाम को अप्सरा थिएटर में पूरे 1 लाख रुपए लेके पहुंच जाइए। अब थोड़ा थिएटर से बढ़ा दो, समझ गया। हेलो गगन, भाभी के पैसे दे दिए, ये बाकी हैं। अमित का हिस्सा अलग कर दियो। निकल इसका क्या करना भाई? जब सिक्योरिटी दिख रही है तुझे, इसे यहाँ आना आसान ना होगा। नोएडा है, मेरठ होते लपेट देते साले को। तो कहना क्या चाह रहा है भाई, यूं ही छोड़ देंगे कि? अयो कंट्री यार्ड को मानसी के घर में छिपा रखा है, उसके घर वालों को दिक्कत नहीं होती होगी? अरे उसके घर वाले यहाँ ना रहते, कानपुर में रहते, वो अकेले रहे यहाँ नोएडा में। हाँ डार्लिंग, वो नैन्सी का केस ना था, वो पता चल गया सारे ने, जागी ने। आज बात खराब कर दी उसने, 10 बजे बुलाया अप्सरा थिएटर। अरे बीटी चटनी डाल दे यार। यार बसड़ होगी, लड़ाई होगी अमित की त्यागी से। त्यागी से? हाँ त्यागी थे। क्यों पता ना यार, 10 बजे बुलाया अप्सरा थिएटर। चलो फिर खा लो फटाफट। सुनना कर दिए, जैसे हाले को उठा लें तो
सुताई भी हो जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं? ओ भाई बड़ा किडनैपर बन रहा है तू, बस से जाना है वापस, इसे क्या गोद में बैठा के लेके जाएंगे? ये बोरी की तरह लाद लेंगे इसको। हाँ छत पे अरे कहाँ जा रहा है वो, औरतों का है, बच्चा पैदा करेगा, कंकड़ों का कहाँ है यार, जल्दी बता। आ जा, जल्दी चल, जल्दी चल भाई, बहुत दर्द हो रही है साले, विष्णु तेरी। चल भाई जल्दी चल भाई, भाई भाई जा भाई, अबे डॉक्टर को बुला भाई, डॉक्टर को बुला जल्दी। अरे क्या हो गया, फोनर कहाँ है? अरे वो कान कट गया, बताई तो थी तेरे से। कान कट गया? कान कैसे कट गया? पता ना के वो विष्णु ने मारी बोतल कान। कटे हुए कान का हिस्सा है क्या भाई डॉक्टर साहब? बचे कान का करोगे क्या अंतिम संस्कार? लादोगे तो जोड़ सकता हूँ भाई, कटे हुए कान का हिस्सा ले भाई, बिना कान के बहुत गंदा दिखूंगा भाई। अरे ला रहे हैं, थम जा, चलना देख लेते हैं भाई, आके देता हूँ। कान के चक्कर में कुत्ते की रट्टी उठा लिया, जल्दी कर, पुलिस वाले खड़े हैं अंदर, चल चल जल्दी कर, गाड़ी स्टार्ट कर। मिला मिला, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी जल्दी। ये क्या सुन रहा हूं मैं, हैं? यही दिन देखने रह गए थे? छोटे भाई हो तुम लोग सारे, अरे इलेक्शन के लिए तैयार कर रहा हूं तुम दोनों को मैं, और तुम ऐसी हरकतें करते फिर रहे हो। चलते आगे, हाथ मिला, हाथ मिला। हाथ तो मिला लेंगे भाई साहब, मामला तो इसने खराब किया था, दोस्ती तुम्हारी पहले भी अच्छी थी। शाबाश, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए आगे से, ठीक है? और तू तो समझदार है, हैं? मिलकर बात करता हूँ आराम से तेरे से। इतना हाथ कैसे मिला लिया? जी दुश्मनी होगी तो जड़ से कैसे काटेंगे, हाथ मिल गया ना दोस्ती होगी, आप खुजा ढूंढ के मारेंगे साले को, टेंशन ना लिया कर। हाँ भाई, मुझे तो उस दिन बात करना था जयंतीलाल को किडनैप करने की, हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, कंट्री हेड को भी तो किडनैप ही किया था ना, पकड़े जाते तो किडनैपिंग ही मानते, उसको भी ले लेंगे। पैसे कितने मिलेंगे? 20-25 तो मिल ही जाएंगे, पर एक बात है यार, प्लान में ना भाभी को भी शामिल करना पड़ेगा। तो टेंशन ना ले, वो मैं कर लूंगा। हाँ भाई कल बटे, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जयंतीलाल को किडनैप करेंगे। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो चलो भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। तो जयंतीलाल पूरी रात ऑफिस में काम करता है,
सुबह 6-7 बजे घर जाता है। सनी, जब तू निकल जाए नैनीताल, फिर ओटी का फोन वहीं से आया होगा। जैसे जयंतीलाल कब्जे में आ जाएगा हमारे, बीबीएम कर दूंगा मुझे। तू क्लोरोफॉर्म चंगाइए उसको और गाड़ी में डालते ही फोन फेंक दियो बाहर याद से, समझा? गाड़ी तू चला लियो भाई, और जो गन है डराने के लिए, मारने के लिए नहीं है। जब फिर भी हवाई फायर वायर करना पड़ जाए तैयार जरूर रखियो, ठीक? अमित, तू उसकी गाड़ी को दबा दियो दिल्ली में कहीं भी। जो गाड़ी दिल्ली में मिली तो पुलिस का सख्ती से जाएगा दिल्ली के क्रिमिनल्स पर। भाई मैं क्या बोल रहा था ना कि पूरी रात पड़ी अपने पास, नौ चंदी के मेले चले। क्यों भाई? अरे नौ मस्ती करके आएंगे ना यार, बस। और सुबह होने से पहले आ जाएंगे, हैं? नहीं है भाई? अबे हंस तो दो, चंदी लाल की गाड़ी हो गई। ये तो डालने दे। कतई बोर कर दिए यार, एक घंटे से इसके पीछे पीछे घूम रहे, और ऊपर से ये पहना, किस चीज का बना ये? नायलॉन नहीं, नायलॉन। अरे नायलॉन तो है पर है क्या? घर की पुरानी जुराबे हैं। जुराबे यार, तभी कहूँ साला मरे चूहे जैसी सड़ाद आ रही इसमें यार। भाई इसको ओवरटेक करके ना आगे खड़ी कर ली इसके। अरे नहीं, ऐसे तो एक्सीलेटर मार के निकल लेगा वो। ऐसा कर, गाड़ी बिल्कुल साथ साथ लगा रहे उसके, पिस्तौल दिखा के रोक लिए ना। अरे वो समझदार, पिस्तौल देख के तब ना एस्केलेट मार कर निकल जाएगा वो। अरे काम करना, तू पीछे से रोक। अरे मैं क्या स्पाइडरमैन लग रहा हूं जो हाथ से जाला फेंक के पीछे से रोक लूं? तू इसका आगे लगा के ना। अरे आगे कहां से लगा लूं, इस पे चढ़ा दूं या चढ़ा दूं? ओ माय गॉड, ओ शिट शिट, व्हाट हैपेंड? ये क्या है सब, क्या बेवकूफी है ये? तरीका यार, मेरी गाड़ी ठोकी तुमने। अरे हमारी ज्यादा ठुकी आपसे। अरे कैसे, मतलब तुम मेरा दोष है, ये मैंने ठोका है। अरे आपने, मैंने मारा तुझे ना भाई। सॉरी, और ये जो भाई साहब, ये जो आपने यहाँ कर दिया, एक सेकंड, ये मैंने किया है। और किसने किया? अरे मिस्टर, ये लाइसेंस का बेवजूदी की बात नहीं करते, समझे कि नहीं? सारा चोरी और सीना चोरी, मतलब बात कर रहे हैं। एकदम से ब्रेक लगा दी ना हम, क्या एकदम से ब्रेक लगा दी? अरे ब्रेक रोकते हैं लाइसेंस का। अरे आपने ब्रेक में, आप बात सुनो, कोई बात नहीं सुनी, प्लीज प्लीज। अरे इंश्योरेंस क्लेम में सब आ जाएगा आपका, कुछ नहीं होना भाई साहब, सब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस हो गया, सारा गाड़ी ठोकते रहो आप, मतलब कमाल की बात है। एकदम से ब्रेक लगा दी, वही तो कह रहे हैं। ए मैन, क्या बदतमीजी है? आकाशवाणी का इंतजार कर रहे इसको उठाने का। सारा सर, एक सेकंड सर, मेरी गाड़ी भी तो है, कुछ लोग उसमें चले तो बहुत गदर पचल जाएगी यहाँ पे, तो ना बहुत गर्म हो रहा है। मेरी कार, जब तुम्हें तो गाड़ी लगानी चलो, जा क्यों बैठे हो तुम? जा चुप है, इसको पकड़ के रखियो, पकड़ के रखियो, पकड़ के ना साले, पकड़। मेरी गाड़ी है, तेरी बेटा, इसको बैठा बैठा और हाँ, मोबाइल किसका मोबाइल? मेरा कितना बड़ा, इसका फोन फेंकने से पहले इसके घर वाले एक नंबर तो ले लेते यार। ये तो ये उठेगा तभी फिर आती मांगेंगे। ओ जयंतीलाल, हाँ जाग भाई, घर वाले का नंबर चाहिए। 99999999999 आगे 870। अरे एक नंबर कम है। हाँ? नौ ही हुए, एक नंबर कम है। लास्ट देख तो नहीं लिया मुझे? अरे नाना कोई टेंशन ना है। अरे अमित, तो तू सन्नी को इसकी घर वाले का नंबर मैसेज कर दे, और वहाँ को बोल दे कि 50 लाख की फिरौती मांग ले। सारे कंट्री हेड से 10 मांगे थे तो 5 मिले थे ना, 50 मांगे तो 15-20 तो मिल ही जाएंगे कुछ। तो 1 करोड़ मांग लेते हैं,
60-70 तो मिल ही जाएंगे। अगर ज़्यादा पैसे होते हैं ना तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, ज़्यादा लालच ठीक ना है। 50 बोल दे भाई। फिर भाई आप सुनते नहीं हो, सबका डिसीजन होना चाहिए ना, आप हर बार लीडर बन जाते हो। भाभी जी, जब हम मर्द मानसा काम है, आप रहने दो ना, आप चाय बहुत अच्छी बना लेते। भाई निखिल रामते भाई। हेलो, वो तेरा पति है ना जयंती लाल, उसे हमने अगवा किया है। कल फोन करके बाकी बात बताऊंगा, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मालिक का क्या नाम है तेरे? अनिकेत शर्मा। क्या काम करता है? बिजनेस है मसालों का, करीब करीब इंटरनेशनल लेवल पे। कितना पैसा होगा उसके पास? कितना? बहुत है। बहुत कितना? आप कहो तो मैं बैलेंस शीट मेल कर दूं। भाई साहब या तो कंबल उड़ा दो, एसी बंद कर दो प्लीज। 24 पे चला, 24। घनी सर्दी लग रही तुझे? बैग में 50 लाख लेके मोदी नगर हाईवे से मेरठ आ जाना। रास्ते में बंद शुगर मिल है, वहाँ उतर के बैग रख देना और बिना मुड़े वापस चले जाना। अगर पुलिस साथ आई तो मेरे साथ ही तुम्हारे पति को गोली मार देंगे, समझी? 50 लाख तो मांगे, चुपचाप दे देते। शर्मा साहब, अब लौंडो के इतने हल्के में ना लो। एक तो मिस्टर जैन से बात नहीं हुई हमारी अभी, अगर हम ये बात मान भी लें कि वो ठीक है तो इसकी क्या गारंटी कि पैसे देने के बाद उनको छोड़ देंगे? और पैसे नहीं देंगे तो वैसे ही मार देंगे ना वो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, पर रकम कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और जयंती लाल की जान के आगे तो बहुत छोटी है ये। अरे यही बात तो आप लोग ना समझते, अभी 50 लाख दे दोगे इनको, कल को 1.5 करोड़ मांगे किसी और को उठा के। भाई साहब, क्राइम रेट बढ़ता है इसी बात से, आपको पता होना चाहिए। किसी और को पकड़ते हैं तो पकड़े, मेरे पति को तो छोड़ दे कम से कम। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे तो हम क्या फालतू बैठे हैं यहाँ पे? पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना, रहे हमको हमारा काम सिखा रहा है। ठीक है, आप नहीं मानोगे, मैं भी एसएसपी साहब से बात करता हूँ। हैं? आप तो वर्दी में भी नहीं हो। अरे तो यो क्या है, और क्या 26 जनवरी की वर्दी पहन के आऊं, झंडा ओढ़ लूं क्या? हाँ सर। सर वो मैं जयंती लाल जी के घर में बैठा हूँ, उनके जो किडनेपिंग का मैटर है। सर ये आपके इंस्पेक्टर आर के सिंह साहब मान नहीं रहे, आप फिर हमसे बात कीजिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। नैनीताल से आए थे। हाँ, पर अलग अलग लोकेशन से। हाँ, लेकिन नैनीताल जाएगा तो क्या फायदा, निकल लेंगे। अरे नहीं जा रहा ना। हेलो हेलो हेलो, कितने दिन बाद घर जाएगा, क्या बोलेगा घर वालों को? मैं क्या बोलूँगा, आप ही बता दो कि क्या बोलूँ सबसे। ये क्या है जी? ये हथियार। अरे बाप रे, समझ में आ गया क्या बोलोगे? जी मैं समझ गया जी, कुछ नहीं बोलूंगा। शक्ल से ही समझदार लग रहे थे मुझे। अरे आ गया। हाँ पूरे, चलो उतारो इसको, चल निकल। भैया सारा जैसे जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बताइए जी क्या हुआ था? देखने में जहाँ तक 25-30 साल की उम्र का हूँ, पर एकदम गंवार, भाषा बोली से ऐसी लग रही है।
और कुछ खास जी? हाँ एक बात और, इनके बारे में पूछ रहे थे, अनिकेत जी के बारे में, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है, कितना कमाते हैं, बैलेंस शीट कह रहे थे, बैलेंस शीट मेल कर दो, कैसे समझे भाभी, बैलेंस शीट मेल कर दो, घंटा मेल कर दो, मैंने कहा अरे आप मेरी टेंशन मत लो, नहीं मतलब कैसे नहीं लें, जाम किया बस जी, हो गया। देखो जी डबराल साहब की भी पार्टी आ गई, नौवे माले पे 10 फ्लैट ले रहे हैं, एक फ्लैट भाई के नाम होगा, शादी हो गई इसकी? शादी अभी नहीं हुई जी, 9 महीने बाद होगी। पर बाबूजी फ्लैट है कहाँ? अरे आपको नहीं मारो बाबूजी, आप इधर आओ, इधर आओ, ये देख रहे हो, अब देखा वहाँ पे खुलेगी आपकी बालकोनी उस जगह पे। पर नीचे की फ्लैट तो बनी नहीं बाबूजी। बेटे जब तक एडवांस नहीं दोगे फ्लैट कब बनेंगे? सही कह रहा है, ऊपर वाले जब एडवांस देंगे तब तो 2-3-4-5-6-7-8 बताओ देते हो एडवांस? हम भी एडवांस दे दें? दे दो बेटे, बुकिंग अकाउंट तो देना ही पड़ेगा। हेलो खन्ना साहब, तो बुक करवाओ आप बेटे। अरे खन्ना साहब निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ लेते हो नहीं, पैसे रख लिए हाथ में बस। छोटू पानी पिला बच्चों, कैसे आना वो भाई साहब, कैसे फुर्सत में है? मामा वो थोड़ा सलाह मशवरा करने आए हैं आपके लिए। किस बारे में? काम धंधे के बारे में कुछ। अरे कब से कह रहा हूँ उसे भाई कुछ काम धंधा कर, अरे अपनी कमाई करो, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचोगे कि नहीं सोचोगे? मामा इसीलिए तो आए हैं, कितने के रुपए लग जाएंगे धंधे में? कितने लेके आया है भांजे तू? लगा देंगे 10-15। 10-15 करोड़? 15 लाख मामा। अब चिल्लर लेके आ गए लोडा, रियल एस्टेट में पैसा लगाने, नेम प्लेट ना बनेगा उससे, कम से कम 2.5 करोड़ चाहिए। बड़ी गाड़ी में घूमते हैं राहुल गांधी समझ रहे अपने आप को, उतरे तो साले वो चप्पल नहीं। देखिए छोटू है ना छोटू, पिछले हफ्ते जमीन बिकवाई है इसकी, 3 करोड़ में बिकी है। कितने बिकी है बता? 3 करोड़। फिर से बोल। 3 करोड़। भाई तू चाय रहने दे, चाय की तो इच्छा ही मर गई अब। ना सर अब तो पी लो, अभी तो जमीन बिकी है, पैसा थोड़ी मिला अभी। पैसा थोड़ी मिला अभी, जाके अपने चैम्बर में बैठ। चैम्बर भी इसका? रब पार्टनर हो गया मेरा ये। मामा मामा करवा दूं ना बच्चों का कुछ। मामा मामा बोल कर ना, जो तूने चूना लगाया ना दूंगा। कौन रेडियो है वो? रब दे भाई शाम में फ्री हो तुम लोग? हाँ फ्री है। चलो एक पार्टी में लेकर चलता हूँ, बॉस है बॉस, मास्टर आदमी है, खुल्लर साहब बोलते उसको, रियल इस्टेट का किंग है किंग, शराब भी पिलाएगा चिकन भी खिलाएगा, बस उसकी बात को गांठ मार के रख लेना। अच्छा मामा जी मैं चलता हूँ, राम राम। रहिए अभी से चल जा रहा पार्टी में, शाम में पार्टी है। गर्लफ्रेंड है मामा, लेके आओ उसको। इसकी गर्लफ्रेंड है? सेटिंग मामा, सेटिंग है इसकी। बताओ बगल में पसीना नाम हवा से मतलब छोटू, अरे वो टीवी ने रखी किनारे? हाँ जो खराब पड़ा है। हाँ 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 उसको पैक कर दे बेटा। सर न्यूज़पेपर में पैक कर दो। अरे अपनी अम्मा की साड़ी में पैक करके दे दे, दे तो दे, गिफ्ट देना है। अरे खुल्लर साहब क्या पार्टी थ्रो किया है, ये पकड़ो आप। अरे सर इसकी क्या जरूरत है यार, आप तो जरूरत बाद में समझोगे। ये देखो पूरी फैमिली आई है, सब रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, ये रियल एस्टेट के गुरु है, पैर छू इनके जी पायलट। ये अपना लौंडा है भांजा संजय फॉरनर। अरे आपका भांजा मेरा भांजा, कुछ टिप दो आप। बेटा एक काम करो, 1-2 करोड़ का इंतजाम करो, आ जाओ मेरे पास, अच्छा खासा काम करा सकता हूँ रियल एस्टेट का, बहुत दम है इसमें। अरे जब जमीन की बात है तो कब्जा हम ही कर लेंगे। अरे कैसी बात कर रहा है, कब्जे की बात कर रहा है, यही प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के साथ। ओ चुतिए कैसे बात कर रहा है, जानते नहीं किसे बात कर रहा है तू? मामा मामा कहाँ से उठाला इनको? तुझे मामा आपने इनको बताया नहीं कि सर मैं तो पुलिस में जाना चाहता हूँ, वतन की सेवा करना चाहते हैं, आप इनको कुछ बताओ तो जरा, वतन की सेवा करेंगे। बेटा नौकरी करेगा, नौकरी बनकर आएगा, एक काम कर रियल एस्टेट के धंधे में आ जा, बहुत पैसा है इसमें, किंग बन के रहेगा मेरी। अरे वो भाई साहब आए, एमएलए साहब के बेटे हैं ये। क्या करो आप? अबे कुत्ते कुछ भी बोल देता है। अरे मामा मरने के बाद भी ना एक भी वचन नहीं निभाया आपने माँ को दिया हुआ तो। अरे 2 करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से? अबे 1000 रुपए में पर डे कमाता था। अरे वो तब की बात थी, यो अब की बात है। ओ कम पियो, फैल मत जाइयो, तेरे पैसे की पी रहे। तो देख रहा कोला कलर टैक्सी है, एक नंबर की। जी हाँ 700 रुपये रेट है, आगे बैठो चाहे पीछे। मैं ना पढ़ रहा तेरे चक्कर में, पछताएगा। क्या हाल है तेरे सीए का?
तंग तो नहीं करता? नहीं, चुपचाप आता है, चुपचाप चला जाता है। पिछले हफ्ते आया काम पे। देखा फिर। और खाना खाया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी खाएंगे बस। एंजॉय करो आप। थैंक यू, थैंक यू। मेरे हिस्से का क्या हुआ? देख यार, मैंने पहले भी बोला, हम दोनों का कुछ अलग थोड़े ना, एक ही बात हुई ना। ये गलत है गगन, प्लान में मैं भी थी, अंदर की इन्फॉर्मेशन सारी मैंने तुम्हें दी है, तो पैसा मेरा हिस्सा क्यों नहीं? पर पैसा तो बढ़ गया ना यार, निखिल ने हिसाब से सबको बांट दिया यार। ये निखिल कौन होता है डिसाइड करने वाला? बाप है क्या तुम सबका? निखिल सुनियो जरा भाई। अरे मामा जानता कहाँ से उसको देख रहा, बंदूक चला रहा तू? सर जी चढ़ गई आपको, लेके जाओ। अरे चढ़ गई, ऐसे बोल रहा क्या तू? अरे मामा लेके जाओ, जा रहे हैं यार, अरे लेके जाओ नहीं यहाँ से। बोल यार, अरे जा रहे भाई। फिरौती की रकम में मानसी का हिस्सा बनता है, वो देना पड़ेगा। मतलब? मतलब ये है कि सात हिस्से होंगे। देखिए यार, जितने हिस्से होने थे वो तो हो गए। और मानसिक इन्फॉर्मेशन किसने दी सारी? बाकी मैंने तो हमने की ना। तो उसको नहीं मिलेगा? तुम दोनों तो एक ही हो। देख भाई, हिस्सा तेरे को मानसी का देना पड़ेगा। हिस्सा देना पड़ेगा? बात कैसे कर रहा तू? कैसे कर रहा है क्या मतलब? नहीं, अकेले का पैसे नहीं दे रहा। कैसे नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। देख बोल रहा हूँ, भसड़ हो जाएगी, फिर मत बोल। अकड़ रहे तू मेरे साथ? हाँ अकड़ रहा हूँ, बोल। कैसे नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। गगन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार। बात करने का तरीका देखा तूने उसका? दो साल से देख रहा हूँ यार, जब से लौंडी आए देवानंद हो गया है वो यार। लेकिन सिर्फ 5-7 लाख की तो बात, बात पैसे की नहीं है सर। नहीं, तुम भी यही समझ रहे हो यार। तरीका होता है दोस्ती यारी में बात करने का, और मैंने किया ना, मैं समझा लूंगा, कर लूंगा बात। यार ना पेलो यहां बैठ। भाई बात तो मामा की भी सही है, पर 2.5-3 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से हम? इसे मामा के छोटू को ढाला है। जय इतने पूरे दिन आया कि छोटू उठाना पड़े मेरे गोलगप्पे। तो कह रहा हूं कि बाकी बचे हुए पैसों की नौकरी जुगाड़ लेते हैं। जब 15-20 हजार की नौकरी करण के बिना है अब, समझा? अरे ओ हजार गर्मी तो मुझे भी लग रही है। ओ निखिल ड्यूटी पार ना? अरे कतई बेटा भाई, ये तो मारन नाबालिग तू। अरे मेरे साथ में खड़ी होती है, 2 साल बड़ी लगती है मुझसे तू। हमारे सारे दोस्त कहते हैं आराम से। अरे हेलो, अरे सुन सुन तो। कतई मजा आ गया भाई। भाई वो मेरे नाम का वारंट निकल गया। भाई मेरे नाम का वारंट निकल गया। इस बात का? अरे वो अलका के बाप ने कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ, लौंडिया को नाबालिग बता के। अरे देखने में तुझसे 2 साल बड़ी लगती है वो। यूं ही तो कह रहा हूँ, उसे पीछे उन्हें फोन ही काट दिया तड़ से। इब क्या करेगा भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तुम मुझे गोली मार दो। मानसिक संतुलन बिगड़ गया बाबा की तरह। भाई मजाक की बात नहीं है, सही कह रहा हूँ। मेरे पास एक स्कीम है, तुम मुझे गोली मार दो, मैं लौंडिया के बाप के खिलाफ जाके कंप्लेंट करा दूंगा थाने में, फिर वो आएगा अपने आप ही चलता हुआ। है नहीं भाई, वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो अदालत में करते हैं यार बहुत बार, कंप्रोमाइज। रफ़ॉर्नर। ओए ओए निशान जी, ओए साइड में कर ले। देखियो निखिल भाई यू। अरे क्या डर रहा है, खाली तो है, हटा लेना भाई। फिर यहाँ नहीं मारनी है, घंटा घर मार्केट में मारियो। खुद तो मरेगा, हमने भी मरवा होगा। अरे भाई कोई नहीं मर रहा, आज शाम में मार दो भाई। शाम में नहीं होगा भाई, वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया श्रीलंका।
भाई वर्ल्ड कप का मैच हमसे बड़ा हो गया भाई, उससे बढ़िया मौका भी नहीं मिलेगा, शाम में मार्केट खाली होगी वैसे ही है? वो हो जाएगा, लेकिन तू ये बता दे गोली मारनी किधर है? कह तो रहा हूँ मार्केट में मारनी है, खाने वाले हाथ में या धोने वाले हाथ में? भाई हाथ पाँव में मत मारियो, सेटिंग पता चल जाती है। तू ऐसा कर पेट में मार दियो 0.22 mm की गोली से, चट से लगेगी घट से बाहर आ जाएगी। इनने तो अपने मरने की पूरी सेटिंग करवा रखी है। सेटिंग की क्या बात है भाई, 0.22 mm की गोली से को मरता? तुझे तो कुछ भी नहीं पता भाई। संदीप तू मारेगा गोली या मैं मारूं? नहीं भाई गोली तो संदीप मारेगा, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे इस पर। ठीक है निखिल भाई, तुम दोनों आ जाइए मोटरसाइकिल पे, चट से गोली मारियो, वापस जाके मैच देख लियो घर पे। ये दोनों ले जाएंगे मुझे गाड़ी में उठा के वही वाले अस्पताल में जहाँ से कान का ट्रीटमेंट कराया है नी, उससे सेटिंग भी अपनी। आ जाओगे भाई फिर शाम को? भाई मार दो। भाई प्लीज मार दो भाई शाम में। उस आंटी का बोल हटने के लिए। कौन सी आंटी, कहाँ पे? अरे वही आंटी जो तेरे अगल बगल घूम रही है। एक मिनट रुको। अरे ओ दीदी थोड़ा साइड में खड़ी होके खरीद लेना। क्यों तू नहीं खरीद सकता? और तू चूड़ी की दुकान पे करके रहा है, उधर जाके बात नहीं कर सकता? तेरी समझ में नहीं आ रहा, जा उधर। इसकी माँ का सुन। अरे उधर उसके बाप ने परेशान कर रखा है, इधर ये सर खा रही है, ऐसा कर इसमें भी एक गोली दाग दी। पागल हो रहा है क्या? खड़े रहे हमारे। हेलो पप्पा, सुबह पेट में मारी हो, छाती में मार दी उसकी। आ जा कट्टे जैसी आवाज लगी हो तो देसी पिस्टल है, सब नकली आ रही है आजकल। आज जरा देखो। अरे हट जा हट जा हट जा, दोस्त है दोस्त है, कुछ ना हो साइड में ले। और बताओ तेरा बेटा है साइड, अच्छा साइड ले, बटन दबा के खोलियो दरवाजा। लोग क्या कैसे लग गई गोली जी? बाइक पे ऐसे कुछ लोग और मार के भगने के चले गए, तुम खड़े रहे देखते रहे हैं, मार के चले गए तुम कुछ कर नहीं पाए। क्या जमाना आ गया है, मतलब कैसे कर रहे हो? अरे जल्दी ले आ गाड़ी, भग गए सिनेमेटर। अरे तुम ना रखते तो मंचे वा मंचे बजना सको, तुम के पीछे है। अरे आगे गाड़ी पकड़ियो जरा। अरे हट जा भाई, अरे तू भी कसम था कुछ ना आया। ओ फोन खोलियो भाई से, हट दे। हां ओ इधर साइड वाले पिक्चर चल रही है यहां पे। अरे कुछ ना हो रहा, चलो जी कुछ ना हो रहा। .22 की गोली निकालने में इतनी देर लगा दी। 0.22 का इंतजाम ना हो पाया। 0.22 का इंतजाम ना हो पाया, 303 से मार दी गोली। पागल के कतई। अब यार 0.22 से मारो, 303 से मारो, रॉकेट लॉन्चर से मारो, एटम बॉम्ब से मारो, फंसता तो मैं ही ना। मरना भी तो जरूरी था। मैंने तो पहले ही कही थी, इनने अपने मरने की पूरी सेटिंग रखी है। भाभी एक सेकंड आना। जा उधर हो जाइयो, रे उधर हो जा, कतई मरा पड़ा के। इंजेक्शन लगेंगे दोनों साइड। बात हुई थी 0.22 की गोली चलाने की, सनी ने चला दी 303। समझी नहीं मैं। 0.22 की गोली होती है इतनी सी, 303 की होती है इतनी बड़ी, लग जाए ना आदमी को तो सीधा आदमी ऊपर। अच्छा वो तो आपका सच्चा प्यार था जो भगवान ने भी घुटने टेक दिए, पर नसन्नी ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई को मारने की। हैं माफ कर सी,
पंचर ही दाग देता ना मेरे पति को। चल कोई नहीं, घर वाले को लगी भाई, कुछ तो करेगी। साले मुझे तो बता देता 3.3 है। अभी सन्नी क्या हाल है? क्या हाल है? अभी मेरे शेर आगे से ना मुझे बात करने के लिए ना कहना, उससे देख लिया ना। चल ठीक रहे, तू बता तू कहाँ मौज ले रहा? अरे कोई मौज ना ले रहा मैं भाई, तुम बताओ क्या मजे हो रहे हैं? मामा का ना रियल एस्टेट का आइडिया बहुत बढ़िया है, पर पैसे की कमी हो रही है। भाई रियल एस्टेट का धंधा बहुत बढ़िया है, अब पैसे जुगाड़ने का एक स्कीम है। नोएडा आ जाओ, बताता हूँ, फिर करते हैं कोई बड़ा दुमार। पर बात है कि पांचों से बाहर ना जाए, ये बात। हाँ हाँ जी, जो बात पांचों से बाहर ना जानी चाहिए, मतलब निखिल के बारे में तो बात ना कर रहा यार? आपसदारी में बात ना पट रही उन दोनों की। अब आपस में मच्छर हो जाओ तुम, डट जाओ, सुन लो स्कीम, बढ़िया लगेगी तो देखेंगे, है सन्नी? निखिल अगले महीने जा रहा है नानी घर, उसके वो घर वाले किसानों की लड़ाई लड़ने वाले सरकार के खिलाफ, जाते ही चलते स्कीम सुनने। कौन सी मैच फिक्सिंग चल रही है? मैच देख रहा हूँ। मैच तो दिख रहा भाई तेरा, इतने सेलफोन रखे हैं, कॉस्टली शराब भी है यहाँ पे। लगा लो अभी, क्या परेशानी है? बिल्डर वाले बोतल भीतर दे दूंगा, बैठा रहा चुपचाप। बिल्डर माइए भीतर के गड़बड़ गड़बड़ की है भाई। अरे आते ही पागल है, मैंने उन्हें बोला कि बारी में मैंने उन्हें एक्टिंग करा है, तो आपको देख लिया ना तो भी। अरे किसको मार दिए? अरे तलाशी ले इसकी साहब, आठवा माला है ये। हाँ तो क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन नौवा माला की थी। हाँ कने जल्दी बता रहा साले, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ साहब आपको। औरत फिर सॉरी भाई साहब। अरे अस्पताल ले जा इसको, इलाज करा दे इसका। हाँ डायरेक्ट डॉक्टर रस्तों की क्या ले जा रहा हूँ। तो फिर फौरन से पहले दौड़ ले सिंह। वो आदमी खुल्ला साहब का खास आदमी था, तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही। लो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। इस बार लेवल बढ़ा है, अनिकेत शर्मा को उठाएंगे। कौन अनिकेत शर्मा? मोटी आसामी, मेरी कंपनी का मालिक। जिस तरह जयंतीलाल को उठाया था उसी तरह इसे भी उठाएंगे। उसकी लेट नाइट मीटिंग्स चलती है, ऐसी कोई रात देके उसकी किडनैपिंग प्लान कर लेते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी, ऑफिसर घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितने बजे निकलता है, कितने बजे पहुँचता है, सब। ऑफिसर घर के बीच का जो वक्त है उसमें कहा जाता है, क्या करता है, ये आप लोग पता लगाओगे। उसे डीएनडी पे 15A के मोड़ से उठाएंगे। आगे बस जो ही था प्लान। इतना पता तो हम भी कर सकते हैं, मतलब वॉचमैन से पूछ के। कर लो पता। भाभी जी आप तो ना बच्चों की तरह लूट जाती हो। मेरे कहने का मतलब था कि मतलब आप आगे बताओ क्या है। नहीं क्या, आप वॉचमैन से जाके क्या पूछोगे कि हम आपके मालिक की किडनैपिंग करने आए? वो चूतिया है आप।
भाई ध्यान से सुनो, पिछली बार की तरह उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकेंगे, गाड़ी खुद रोक देगा। किडनैपिंग के बाद उसका फोन बाहर फेंक दिया। किडनैपिंग किस दिन करनी है ये मैं बताऊंगी। भाई ऐसा है, मानसी बात तो मैं आके हाँ तो कर ली हमने, पर कल है किडनैपिंग, कोई प्लानिंग तो करी ना। रे के बात की प्लानिंग, यो कौन सी सरकार की पंचवर्षीय योजना है जो इतना दिमाग लगा रहे हो? जैसे पिछली दफा काम किया था वैसे ही कर देना है। नहीं भाई यूं है, तुम करो प्लानिंग व्लानिंग, मैंने उठानी है गाड़ी, मैं जा रहा हूँ। गगन कर रहा होगा वेट। देखा मैं, प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत पड़, टाइम कहाँ है, जो करना है कल ही तो करना है। देख जिस तरह से पिछली बार गाड़ी ठोका था वैसे इस बार करना है, बस। देख यार इस बार निकल नहीं है तो संभल के रही हो। नहीं हाँ मैं निकलता हूँ नैनीताल। ले 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 खींचो खींचो खींचो। बाय सर। बाय। हेलो हाँ वो अभी जस्ट निकले, मैं भी निकलती हूँ। उसको ले आए हैं, बाहर मत आइयो, अंदर ही छुपे रहियो, ठीक है? तू घबरा मत, सब संभाल ले। चल 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 अंदर चल, ले आ ले आ इसको अंदर ले आ। बेटा बांध बांध इसको, ये ले ठीक से बांधियो। चल गाड़ी लगा दूं बाहर। गाड़ी छोड़ हैं, सनी को मैसेज कर 10 करोड़ बोल दो। बोल दे। रात को किडनैपर्स का फोन आया था, 10 करोड़ मांग रहे थे, पर 5 करोड़ पे फिरौती की डील पक्की हुई है। ये तो पता है हमको, मुझे रिपोर्ट मिल गई थी इस बात की, उन्होंने पैसा लेकर काम बुलवाया है। उन्होंने बोला इस चीज के लिए बाद में फोन करेंगे। देखिए भाभी जी बात सुनिए मेरी, शर्मा जी दोस्त हैं मेरे, इस केस को एक ही इंस्पेक्टर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसके पास जयंतीलाल जैन वाली किडनैपिंग का भी केस था। देखिए भाभी जी पिछली बार हमने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, पर इस बार आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए शर्मा जी की जिम्मेदारी हमारी। जैसा आप ठीक समझे। प्लीज भेजो उसे। ठीक है सर। जय जनाब। लेटर क्या है ये? मैंने तुम्हें बाल कटवाने के लिए कहा था ना, बाल कटवाते हो ना वर्दी पहनते हो, क्या है ये? अच्छा वो अनिकेत शर्मा जी की फिरौती के 5 करोड़ की मांग आई है, पता है? मैंने कल रात 12 बजे फोन आया था, मैंने तो उनसे पहले भी कही थी जब जयंतीलाल का फोन आया था, पर हस्बैंड वाइफ का एटीट्यूड रॉन्ग है, इनको तो 50 लाख कम लगे थे सर, अब भरो 5 करोड़, जो तब कॉर्पोरेट कर लेते के किस जाता तुम लोगों का? शर्मा जी घर पे होते। सिंह आराम से बात करो, मैडम अभी कोऑपरेट करेंगी ना, करेंगी ना जी? ना जनाब वो तो ठीक है, पर मैं सस्पेंड हूं। मैंने तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है, तुम्हारा रीजॉइंडर लेटर घर पहुंच जाएगा। ठीक है करते हैं इन्वेस्टिगेशन। हेलो हाईवे पे 3 बजे 5 करोड़ रुपए लेके आ जाना। आगे की जानकारी बाद में दूंगा, और पुलिस को खबर करने की गलती ना करना, कुकर गरम हो रहा है, उसी में तेरे पति के खोपड़ी को डालकर गरम कर देंगे। समझी?
मेरे हाईवे पे 3 बजे बुलाया। ना ना आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ जाएंगे। जिस बैग में फिरौती की रकम जाएगी ना, वो बैग भी हमारा होगा, उस पर ट्रांसमीटर डाल देंगे वो। ऐसा सोचा मैंने। पर मेरे पति को कुछ होगा तो नहीं ना? ना ना, हम लौंडों को पकड़ेंगे तभी जब मिस्टर शर्मा आजाद होंगे। इसकी टेंशन ना लो आप, है ना? सो जाओ कंबल उड़ के। चल भाई रेडी हो जा, पैसे मिल जाएंगे हमें शाम तक, छोड़ने वाला है तू। हंस तो दे मत हंस। बैग का मूवमेंट तो रुक गया, दिखाइए जरा। ये देखो गाड़ी ने साइड पे रोक दी। चल। हेलो सिंह साहब, घर से भी फोन आया था, मेरे हस्बैंड घर पहुंच चुके हैं। अच्छा, नहीं मूवमेंट हुआ कोई? ना साहब। चल चल गाड़ी चला, चल भगा भगा। बैग मिल गया। ले ले। पर ये तो खाली है। साहब जयंती लाल के केस में साड़ो ने ऐसे ही किया, बैग बदल दिया था। साड़ा बता रहा है। चलो ले। मैं क्या सोच रहा हूँ, पैसों से ना एक स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। भाई लक्ष्मी माता की कसम, मैं भी यही सोच रहा था भाई। रियल इस्टेट के धंधे में गाड़ी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो ले लेते हैं, पर नोएडा में रखेंगे, मेरठ ना ले जानी। हाँ लोगों को शक हो सकता, और भाई जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, खर्चा नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 बंदूकें भी खरीद लेते हैं, बाद में काम आएंगी। ठीक है, स्कॉर्पियो और बंदूकों का 25 लाख। 50 लाख मैं अपने पास रखता हूँ, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो केस लड़ने के काम आएगा। ठीक है, 1.25 करोड़ तू रख, मामी को दे दिए, धंधे के लिए बोला मारे हैं। क्या बात है। 500 एक तो अपने पास रख ले, बेड में छुपा दिए, और 2 मेरठ में छुपा देते हैं। सन्नी के वहाँ रखवा देता हूँ, उसे मैसेज कर देता हूँ कि पैसे मिल गए। तुमने तो बोला था कि तुम इन किडनैपर्स को रंगे हाथ पकड़ लोगे, लेकिन उन लोगों ने तो बैग ही बदल दिया। जनाब मैंने दोनों किडनैपिंग की फाइलें पढ़ी। पहली बात तो यह है कि जिन्हें किडनैप किया गया दोनों लोग एक ही दफ्तर में काम करते हैं। दूसरी बात यह कि ये दोनों नोएडा में रहते हैं। और तीसरी बात यह जनाब कि दोनों बारी जो टेलीफोन कॉल आया फिरौती की रकम के लिए, वो आया है नैनीताल से, और पैसे इन्होंने मंगाए मेरठ। अब जनाब क्रिमिनल फिरौती की रकम वहीं मंगाएगा जो उसका गढ़ हो, जहां उसको सेफ्टी महसूस हो। ये गैंग मेरठ का है, बात तो कन्फर्म। लेकिन तुम इन लोगों को पकड़ोगे कैसे? जनाब जो जयंती लाल के केस में जो टेलीफोन कॉल आया था फिरौती के लिए, और ये जो अनिकेत शर्मा के केस में टेलीफोन कॉल आया है,
दोनों के दोनों कॉल एक ही लौंडे ने किए। मैंने इनकी वॉइस मैच कराई है, हूबहू वही आवाज है। बाकी रिकॉर्डिंग भेजी मैंने मेरठ पुलिस को, देखो कार्रवाई क्या करेंगे वो। और बाकी हम हैं सर, काहे की परेशानी है इसकी? आर यू जोकिंग? लाखों की आबादी में तुम इन किडनैपर्स को एक वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर ढूंढोगे? जानते हो मेरठ की आबादी कितनी है? सर आप ना मेरे अंदर घुस के फटो मत, आई नो माई ड्यूटी। भाई पैसा तो यहीं छिपा दिया, जैसे ही मामला सेटल होगा ना पैसा ले जाके मामा को दे देंगे, फिर अपना धंधा भी सेट। नहीं है बाकी पैसा मैंने घर में उपले के पीछे छुपा दिया। फिर खेता में ना छुपाने थे? खेत में पापा ने पानी छोड़ दिया। चिट्टे इस बार तमंचे जबरदस्त हैं। सब ऑटोमेटिक है भाई, एक बार फायर करो नौकरी निकलती है। अरे यू बता कितने के रुपए झाड़ दिए इसमें तुमने? अरे क्या महंगा क्या सस्ता भाई। अरे भाई यू बता गगन कब आ रहा है? तू ही पूछ ले फोन लगा के गगन कब आएगा। भाई गगन का तो बताना, निखिल भाई तो आ गए। निखिल भाई राम राम। भाई लांडा भाई का राम राम। आ जा। ये बहुत गर्मी करवा दी यार है बेवड़े। हाँ भाई जब तू और लंबा हो गया कि किसानों का आंदोलन निपट गया उधर? हाँ एकदम। क्या लीरो क्या बात? अरे क्या बात होगी टीचर ने रे। और भाई क्या मौज लौंडो? चे तेरी नई गाड़ी हाँ कहाँ से? भाई ब्लंडर की है, दस दिन दे फिर आराम से बताते हैं, फिर मस्ती से धंधा शुरू कर देंगे। ब्लंडर मतलब? अजय कहाँ ब्लंडर किया है लौंडे बता तो दे। आपको मारा भी था लोगों ने? हाँ अरे चांटा सा मारा लगता है। आपको हंसी आ रही है? ना ना मैं कहाँ से रहूं। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है? ना 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 मैं और की वारदात हुई किडनैपिंग में? सारे वक्त उन लोगों ने मुझे बांध के रखा था। जिस टाइम से क्लोरोफॉर्म सुंघाया था तब से मुझे कुछ याद नहीं। पर हाँ डीएनडी पे उन्होंने मुझे वरना गाड़ी से टक्कर मारी थी, फिर उसी मुझे किडनैप भी किया। साहब वरना गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट तो अपने थाने में भी है, वो भी इनके किडनैपिंग होने के एक दिन पहले की। उस गाड़ी के ओनर को थाने बुला। ठीक है साहब। भाई साहब मुझे आपके दफ्तर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है मैं ऑफिस फोन कर दूंगा। हाँ आपको कोऑपरेट करेंगे। हाँ ऐसा कर लेना। भाई तू नौकर। हाँ साहब। इनके दफ्तर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले। ठीक है साहब। इनकी किडनैपिंग के दिन कौन था दफ्तर में? जयंती लाल जी की किडनैपिंग के दिन कौन था दफ्तर में? उनमें से मेरठ में से कौन कौन सा है ना? ठीक है साहब। ये इन्फॉर्मेशन लेके थाना पहुँच। ठीक है साहब। ना टेंशन ना लो आप, हो जाएगा काम, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसी बात। आपके लिए ऑटो मंगा लो। ऑटो मंगाओ आपके लिए। ना भाई कॉलेज खड़ी बार ना। हाँ कॉलेज खड़ी। मेरठ का केस तो निबटते नहीं, नाडा पुलिस ने उन्हें बसर कर रखी है। क्या कर दिया नाडा पुलिस ने? अनिकेत शर्मा किडनैपिंग। अजी इतना गुस्सा दिशा पहन ले रहे तुम। यू दीवान साहब अनिकेत शर्मा पिछले हफ्ते तो बहुत छाया था अखबारों में, तो कोई खबर से भी ना रही। खबर तो ना रही, और नोएडा पुलिस तो यही कह रही है ना कि किडनैपर आपके यहीं के थे। अजी हाँ हाँ एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी है, मैच करा लो। अरे इतनी बड़ी आबादी में मैं किसकी आवाज किससे मैच कराता फिरूंगा भाई। ये तो है दीवान साहब, थर्पस की रिकॉर्डिंग है। हाँ है। अजी फिर सुना दो। क्यों सुना दो? अजी सुना दो। क्यों? अरे भाई तू ही सुना दे। अरे कैसे सुना दे बिना पूछे मेरे? तो फिर तुम सुना दो। लता मंगेशकर गाना है तेरे को सुना दो। अजी वही समझ के सुना देना तुम। हाँ सुना दिए रे जरा। वो तेरा पति है ना जयंती लाल, उसे हमने अगवा किया है, कल फोन करके बाकी बात बताऊंगा, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है समझी। जो तो सनी है दीवान साहब। कौन सनी? हमारे कॉलेज का लौंडा सनी। हाँ अभी तो तीन चार दिन हुए आए हुए तेरे, अभी से फोन आने शुरू हो गए। और मानसी ने यार छुट्टी ले रखी है 2 हफ्ते की।
अभी तो टाइम लग जाएगा भाई। कोई टेंशन हो तो बता दिए, फ़ोन कर दिए, और वो पैसे ठीक से लगा दिए ना। हाँ चल ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके बाय। हो गई बात अपने घटिया दोस्तों से? कितने? 50 बोले थे ना लेने को, 50 है। डर नहीं लगता? किस बात का? जेल जाने का? मैं तो लौंडा हूं, चला जाऊंगा, तेरा क्या होगा? ये सोचा होता ना तो तुम 5 लौंडे मिलके अनिकेत शर्मा की किडनैपिंग नहीं कर पाते, समझे? अच्छा मैंने ना 6 लाख रखे हैं साइड पे शॉपिंग करने के, चल रहे हो? और भाई निकल गया, हालचाल? बस कुछ खास ना भाई, कट रही है, पता क्यों बुलाया था? तेरी कटरी खेल करोड़ों में रहा, कह रहा कटरी क्या कह रहा है भाई? मेरे सामने तो एक्टिंग करेगा। तुमने अनिकेत शर्मा की अगवाई करी कि नहीं करी? अब मांगे कि नहीं मांगे 5 करोड़ उनसे? बावला हो गया कि भाई? बावला ना हो रहा, तेरे सन्नी की रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थाने में, तो दीवान साहब जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा जी भाई लोग लगे हैं अपने, तो दीवान साहब कहते ठीक है कोई दिक्कत ना, तो एक काम करा दे तू मुझे 3 करोड़ मंगवा दे। 5 करोड़ लिए कि नहीं लिए तुमने? 3 ही तो मांग रहा हो, केस रफा दफा। मिलता हूँ। बस सुन तो ले बात तो। पर भाई दीवान साहब से तो बात 2 करोड़ की भी थी। तो हम ना कमावे क्या? 1 करोड़ मारा, हम यहाँ प्याज छीलने बैठे हैं, तो कौन सा भाई ला गया? भाई यू रॉकेट फटने के टाइम दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है, ऐसा क्यों? भगवान ने आंखें आगे दी और कान पीछे, इसलिए दिखाई पहले देता है फिर सुनाई। जब 16 दूरी 8 ही रही हो तू, अंगूठा छाप फिजिक्स है, इसलिए दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में। रे फिजिक्स फिजिक्स चोचले भाई। एक सिगरेट पिला दियो भाई को। नहीं है बस। अरे ऐसे मत रूटो भाई, एक सिगरेट नहीं है, साला करोड़पति हो गया अभी सिगरेट मेरे से मांगेगा तू? एक तो मांग रहा हूँ, करोड़ रुपए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, तू भी तो करोड़पति हो गया बेटा। अब ना फंस गए हो करोड़ के चक्कर में ना, ठुकेगी जब तेरी आवाज की रिकॉर्डिंग पड़ी है पुलिस के पास, समझा? अब तो एक ही तरीका है भाई, 3 करोड़ दे दो और मामला सलटा लो। 3 दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? घंटा ला, पिस्टल दे दे। दे दे भाई के पूरी दिवाली मना होगा। आई लव यू। दे रे रख दे इसके अंदर। भाई मैं पलट जाऊंगा, जो मेरी आवाज ना है। निकल देख ले यार, 10-15 लाख दे के काम निपटवा दे। जब तो एक ही तरीका है, कल मेरे साथ चल लो, फेस टू फेस बैठ के बात कर लेंगे। जब बात बन गई तो ठीक भाई, नहीं तो तुम जानो तुम का काम जानो, ठीक? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो भी करियो सोच समझ के करियो, मेरी तो शादी भी होने वाली है ना अभी। जी जेल में मनेंगे तेरे फेरे साहब। वो वरना गाड़ी मिल गई है, नेपच्यून मॉल में 2 हफ्तों से खड़ी थी। उसके ओनर को बुला के गाड़ी के कॉन्फर्मेशन ले ले। ठीक है सर। और जो मॉल का CCTV कैमरा उसकी फुटेज भी है। ठीक है सर। शाम से कहना कि छेने वाला था, मैंने तेरे पति को किडनैप कर लिया। जा उठा ले सिन्हा साहब को। भाई त्यागी
यार हो सके सच में कोई मिस्टेक हो रही हो और लौंडे को फंसा रहे हैं लोग। मान जा निखिल, कदी हद कर रहे यार, मैं इसकी आवाज़ सुन के आ रहा, भला इसी में तीन गुर्दे के मामला सेटल कर लो, पुलिस वालों को कल तक रोक सकता हूँ, फिर ना कहियो त्यागी काम नहीं आया था। चलो विष्णु, जय राम जी की। कहाँ गया तेरा गगन? अब अरे एक मिनट पहुंच कर, हाँ थोड़ा आगे जा, जूम कर, जूम कर इसने, हाँ आगे बस थम ले, हाँ ये बस। तो सारा वही है जो पागल मम्मी को लेकर ना फिर रहा था, हाँ। इसका शादी का केस भी निपटाया था, नो डाउट, ये भी सारा मेरिट में रहता। इसका एड्रेस है क्या तेरे पे? जी साहब। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि? अरे भाई भरोसा कर ले, हैं? हाँ तो ठीक है, चाय पी कर निकलते हैं। हेलो। हाँ जय हिंद जनाब। हाँ जय हिंद, बोलो जनाब। ये किडनैपर का तो पता चल गया है, बस आपकी परमिशन चाहिए अरेस्ट करने के लिए, बाकी मेरठ की लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना। पक्का वो लोग मेरठ के हैं? 228% तो ठीक है, मैं मेरठ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम मेरठ के लिए निकलो। सॉरी जनाब, मैं मेरठ पहुँच चुका हूँ। हाँ बस हम भी चौराहे पे पहुंच रहे हैं। ठीक है सर। नौकर थोड़ा आगे ले जाके ना ऐसे साइड पे लगा देंगे, बैरिकेड से बना देंगे, आड़ी करके लगा दे। हाँ भाई दीवान साहब फोन उठा रहे, जैसी बातें फोन पे ना होते जाएगी, वहीं चल के कर लेंगे। भाई यो आगे तो पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। धीरे धीरे धीरे, थम 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 भाई, ये तो पूरी तैयारी के साथ आते दिख रहे हैं। यू मेरठ पुलिस ना है? ना 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 भाई, यू नोएडा की पुलिस दिख रही है। भाई गाड़ी को वाले हैं, गाड़ी को वाले घुमाऊं? हां अरे इसकी सारी गाड़ी चली जा रही है, चलो कर लो पीछे का। इन लोगों को पहचानते हो? नहीं जनाब, हम ना जानते। अपने एरिया में बदमाश पाल रखे, पहचानते नहीं? 100 को पेन रखी है वर्दी, हैं? सकड़ से भी बालक ही दिखे, उठक बैठक कर रहा। जी जनाब। अरे मेरी पिस्टल भरी क्या? अरे पिस्टल भर दे। कतई बेसरा ना जी जनाब भी बोलता सा। निखिल के करे सालिम पीरियड के ठुल्ले भी आ लिए। बात तो सही कर रहा है यार, इतना टाइम बोलिए गोली खत्म ना हो रही सालों की। अरे इसकी मां का। भाई ऐसा है, इतने सारे ना संभलने के, क्या करें? बाचिस, तुम बाचिस क्यों जेब में रख रहे हो यार? तीन तो जनाब गाड़ी में छुपे हैं, तीन का पीछे पंप हाउस के पीछे छुपे हैं। ना ना हो जाएगा, टेंशन ना लो आप, काबू में आ जाएंगे, कोई बात ना। चलो तलाक करता हूँ आपको मैं फिर। अमित रिस्की मौका, ये भैंस की पूछ। अरे थम जाओ। ओके है सरेंडर एनकाउंटर। सरेंडर वाली कौन सी है भाई? सरेंडर कर देते, सजा कम हो जाएगी। कितनी कम? अच्छे कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं? सरेंडर किया तो कहीं एनकाउंटर ना कर दिए।
तो तुझे के शादी का नोता देने आया? बैठे रहे तो पक्का कर देंगे। नहीं मेरी बात मान, गगन है हाँ, उसके पास है पैसा, बिल तो करवा ही देगा। रे थम जाओ साले, बात तो करने दो यार। चल निकाल के ना सफेद रुमाल निकाल। अरे तू भी अजीब बात करे, मुझे देखा है कदर रुमाल रखते हुए। जब भाई सफेद रुमाल ना दिखाओगे तो कैसे सरेंडर करेंगे हैं? ये लाल दिखा दूं? कुछ तो सफेद होगा यार यहाँ। ओ भाई हाँ, सफेद रुमाल की जगह हाँ, सफेद चड्डी चल जाएगी हाँ। निकाल सफेद है ना, रुक जा भाई। साला तुम्हारे चक्कर में नंगा हो रहा हूं। रे यू कैसा सा जिंदा हथियार डाल दिए साहब। अच्छा हाँ, जा फिर धर ले ना। ठीक है साहब। चाचा धर ले जाओ भाई। सुने हाँ साहब, उनके घर से पैसे बरामद करके लेके आइए। ठीक है साहब। उनके बाप भाई को जीप में बिठा साड़ों को लेके आ थाने। ठीक है साहब। अरे वो त्यागी भाग गया के? मैं क्यों भागूंगा, मैं कौन सा क्राइम कर रहा। अनिकेत जी आपके साथ उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया? एक शरीफ आदमी को, एक बिजनेसमैन को आप कैप्टिविटी में रख के देखें तो कैसा लगेगा आपको? मैं आपको अगर एक अंधेरे कमरे में बंद पट्टी करके रखूं और फिर आपके सर पे बंदूक रख के आपके बोलूं कि अगले दिन आप नॉर्मल बिहेव करो, तो क्या आप नॉर्मल बिहेव करेंगी? जीवन जी, क्या इस पूरे मामले में आप पुलिस की भूमिका स्पष्ट करना चाहेंगे? हम लोगों की जो ऑपरेशन चल रही थी उसमें हमें सूचना मिली है कि उन लोगों को हमारी कार्रवाई की जानकारी हो गई थी। हम इसकी जांच करेंगे, छानबीन करेंगे कि हमारे बीच ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उन्हें आभास दिया, हिंट दिया कि पुलिस पीछे लगी हुई है। आ रहा हूं। खोल रहा हूं, मैं खोल रहा हूं। हाँ चाय सर। अभी मैंने तो ना मंगवाई चाय, मैडम ने बोला सर आपके लिए। रख दे। शुगर कितना डाले सर? आंसी मैडम तो चली गई सर। कहाँ गई मालूम नहीं सर। कितना शुगर डाले? दरवाजा बंद कर दी। सॉरी सर। आंसी आगे छूट गया क्या? छूटेगा ही वो तो। वो थोड़ी था किडनैपिंग में, तुम लोगों ने की है किडनैपिंग। चोरी की गाड़ी मॉल में लगाने क्यों गए थे यार? ये चैलेंजर से पूछ। मैंने क्या करी? वो गगन का आइडिया था, उसने कही लगा दो, मैंने लगा दी। तो पिछली बार तो नहीं तो कही थी गाड़ी दिल्ली ठिकाने लगाने की, पुलिस का शक दिल्ली के क्रिमिनल पे जाओगा। जयंतीलाल की गाड़ी थी वो, विक्टिम की गाड़ी है, समझदार। चोरी की गाड़ी कौन लगाता है यार? अरे ठीक है, हो जाता कभी कभी। तू भी तो अपनी ये सफेद कमीज दिखा के सरेंडर कर सकता था, चड्डी निकालने की क्या जरूरत थी? हम इतने कही थी
और ये सफेद ना है, लाइनदार शर्ट है। लाइनदार? लाइन ना दिख रही तुझे? सफेद ना दिख रहा तुझे? अरे तो अंधेरा भी तो था, अंधेरे में सफेद नहीं दिखता। अरे दिन में सफेद नहीं तो रात को क्या पता सफेद दिखेगा ये यार। अरे तो रहने दो यार। इंचोली थाना के दीवान साहब से बात हो गई है, ये तुम्हारे जमानत के पेपर सेंड। तुम सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जाते? जी मैं तो एक सेकंड में बन जाऊंगा सरकारी गवाह, मेरे कौन से रिश्तेदार लगेंगे? आप ये बता देना जज साहब के सामने कब कहाँ कैसे आना। चलो ठीक, जय राम जी। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ चल, पहले खुद तो छूट ले। क्या हाल संजय भाई? कैसा है? बढ़िया। दो बढ़िया गांजे थे। अरे मामा से ले लेते ना पैसे। अबे उसने दे दिए और तूने ले लिए। चल तो इसमें भी तो 50 कम है। वो उससे ले लिए। अरे अजीब कर रहे हो संजय भाई, पूरा ही दे दो। अबे हर बार का ड्रामा है। बचे दियो। अरे जल्दी देना।